चाहता हूं उसके लिए आप निकाले प्रोवर्ब्स की किताब 18 अध्याय उसका 21वां वाक्य, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स नंबर 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, आमीन। तो प्रोवर्ब्स की किताब शुरुआत में ही हमें यह चीज सिखाती है कि जो हमारे वर्ड्स है उसमें जीवन भी है। पहला चीज, हमारे वर्ड्स में लाइफ है। दूसरा, हमारे वर्ड्स में डेथ है। और तीसरा, ये वर्ड्स चूज करने का एक चॉइस परमेश्वर ने हमें दिया है। ईदर इट कैन बिकम अ पॉइजन फॉर यू और इट कैन बिकम अ फ्रूट फॉर यू। या तो ये आपके लिए एक फल है, नहीं तो ये आपके लिए एक पॉइजन बन सकता है। अब चॉइस आपकी है, ये चॉइस आपको बनाना पड़ेगा। एक लाइन आपको देना चाहता हूं, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंटेंट ऑफ योर कॉन्वर्सेशन। तो आप अजीब तरीके से बात करेंगे तो फिर आपके लाइफ का क्वालिटी हुआ। अगर कोई गाली गलौज करता है तो उसके लाइफ का क्वालिटी उतना ही है। कोई चुगली करता है तो उसके लाइफ का क्वालिटी उतना ही है। कोई कोई छोटी छोटी तनाव की बातें करता है तो उसका क्वालिटी उतना ही है। लेकिन किसी ने कहा है कि वाइज लोगों की खासियत यह है कि वो आइडियाज के बारे में बात करते, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ फिर क्या होगा? आइडियाज के बारे में होगा, बढ़ोतरी के बारे में होगा। तो आपके ऊपर है, आपको फ्रूट चाहिए या आपको पॉइजन चाहिए। और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आपके कॉन्वर्सेशन के कंटेंट पे डिपेंड करता है। आप क्या बातचीत करते हैं, आप एक चर्च में जा रहे हैं, आप क्या बातचीत कर रहे हैं, आप अपने दोस्त के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, आप अपने चर्च में क्या बातचीत कर रहे हैं, आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में क्या बातचीत कर रहे हैं, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर डिपेंडेंट है। अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्ड्स के बारे में। 5 फैक्ट्स बताऊंगा, मैं बताना चाहूंगा वर्ड्स के बारे में। पहला, वर्ड्स कॉस्ट। वर्ड्स कॉस्ट, जो हम शब्द उपयोग करते हैं उसका एक मूल्य है। वर्ड्स कॉस्ट। प्रोवर्ब्स 13:3 एक बार हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपनी प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश जो जाता है। इंग्लिश में सुंदर लिखा है, दोज हु कंट्रोल देयर टंग विल हैव अ लॉन्ग लाइफ, ओपनिंग योर माउथ कैन रूइन एवरीथिंग। आपके वर्ड्स का एक मूल्य है, आपके वर्ड्स बड़े कॉस्टली है। अब अगर हम इसको ऐसे ही खोल के छोड़ देंगे तो इसका सबका एक कॉन्सिक्वेंस है जो हमें भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हमारे वर्ड्स को हमें बड़े ही ध्यान से क्या करना है, हमें उपयोग करना है। तो इसी के लिए प्रभु का दास कहता है प्रोवर्ब्स के अंदर कि हो सके तो आप क्या करना, कम बोलना, तोल कर आप चीजों को बोलना। ये ना हो कि आप कोई भी बात बिना तोल मोल के आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, हम में से कई लोगों को एक्स्ट्रा मजाक करने की आदत है, एक्स्ट्रा किसी का मजाक उड़ाने की आदत है। तो इसके लिए हमें बड़ा ध्यान देना है कि हमारे वर्ड्स का एक वैल्यू है, उसका एक कॉस्ट है। तो इसके लिए प्रभु का दास कहता है कि एक आदमी लंबा जिएगा अगर वो ध्यान से अपने बात को तोल मोल के बोलेगा। जो आदमी हर चीज को बोलता रहेगा, बार बार बोलता रहेगा, फालतू बोलता रहेगा, तो वो हर रिश्तों को क्या करेगा, वो खराब कर देगा। उसके रिश्ते कभी भी टिके नहीं रहेंगे। एक वाक्य और देता हूं मैं आपको, प्रोवर्ब्स 6:2, उसमें लिखा है, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। कभी कभी क्या होता है कि हम भावुक होके कुछ चीजों को हम प्रचार में बोल देते हैं या भावुक होके कुछ चीजों को हम कह देते हैं। एंड इट इज पॉसिबल, हो जाता है कभी कभी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्या करें, अगर हम कुछ बोलना भी चाहते हैं तो एटलीस्ट उसको हम पहले ही लिख कर रखें, क्योंकि हमने जो बोला कल वही चीज हमें क्या कर सकता है, पकड़ सकता है, वही चीज हमें हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। हमने बोल दिया कि ये ऐसा है और हमने उस टाइम पे तो इमोशनली बोल दिया, लेकिन अगर वो हमने ध्यान से नहीं रखा तो कल वही चीज हमारे लिए भारी पड़ सकता है। तो वर्ड्स कॉस्ट करता है, तो इसके लिए बड़े ध्यान से अपने वर्ड्स को आप चूज कीजिएगा। सेकेंड, वर्ड्स क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। वर्ड्स क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। वर्ड्स में क्रिएशन का भी ताकत है और वर्ड्स में डिस्ट्रक्शन का भी ताकत है। वर्ड्स क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। आमोस की किताब 3:7 वाक्य इस प्रकार से कहता है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा।
कहने का तात्पर्य है, वर्ड्स क्रिएट कर सकता है, वर्ड्स में इतनी ताकत है कि अगर वो सही तरीके से बोला जाए तो क्रिएशन हो सकता है। अगर आप प्रभु परमेश्वर को देखेंगे, छह दिन की सृष्टि में खुदावन ने सारी चीजों को अपने मुंह से बोलकर क्या किया, क्रिएट किया। तोड़ने का भी ताकत वर्ड्स को है, उतनी ताकत वर्ड्स रख सकता है। एक परिवार तोड़ सकता है वर्ड्स अगर ध्यान से उसे नहीं यूज करा गया। एक रिश्ता बिखेर सकता है। क्यों अधिकतर परिवारों में तनाव हो जाता है? बड़ा सिंपल है, क्योंकि हम कभी कभी इमोशनल होकर वो चीजें बोल पाते हैं, बोल जाते जो हमें शायद बोलना नहीं चाहिए। आप इस चीज को समझिए, फैक्ट्स बोलना और इमोशनल होकर एंगर में वर्ड्स यूज करना, दोनों में बहुत फर्क है। आप एक व्यक्ति को फैक्ट्स बता रहे कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, तो वो फैक्ट्स है। आप फैक्ट्स किसी के सामने भी प्रेजेंट कर सकते, लेकिन आप उस फैक्ट्स के बदले पर्सनल हो जाते। तू तो नलायक है, तेरे को तो पता ही नहीं है, जब से तू मिला मेरी जिंदगी खराब हो गई है। ये फैक्ट्स नहीं है, ये क्या है? ये इमोशनल होकर आप बोल रहे हैं। हमारे ऑफिस वर्ड्स आपके क्रिएट कर सकते हैं, इतनी ताकत है। अगर सही तरीके से उपयोग किया गया तो वो वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, अगर सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो वो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपके वर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं करके। अगला और सुंदर है, वर्ड्स लीड टू अ डेस्टिनेशन। वर्ड्स लीड टू अ डेस्टिनेशन। जो भी आप बोल रहे हैं ना, एक दिन आपके पास आएगा वापस, जो भी हम बोल रहे हैं। और अगर ये पूरे प्रचार में अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया ना, ये वाला तो जरूर समझ आना चाहिए आपको। आप जो भी बोल रहे हैं एक दिन ये आपके पास वापस आएगा। Matthew 12:36, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आप जिसके भी बारे में बात कर रहे हो और अगर वो व्यक्ति सही निकला, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं वो चीज आप पर जरूर वापस आएगी। कितनी जगहों पर फालतू बातें हो जाती है, फालतू बातें हम करते या वो वर्ड्स हम बोल देते, न्याय कर देते किसी का बैठकर। और होता क्या है, अगर वो व्यक्ति प्रभु में सही है और प्रभु की नजर में वो व्यक्ति सही है, क्योंकि प्रभु दोनों पहलुओं को देखता है, एक को नहीं, तो वो सारी चीजें हमारे ऊपर क्या करेगी, वापस आएगी। टू बी वेरी केयरफुल कि हमने जो भी वर्ड्स हमने बोले हैं एक दिन वो डैमनेशन के कारण बन सकते, वो हमें खत्म कर सकते हैं। न्याय के दिन हमारे वर्ड्स ही हमें सुनाई देंगे। मैं एक लाइन ऐसे बोलता हूं, इफ यू कैन शो इट, योर थॉट्स बिकम वर्ड्स विच बिकम एक्शंस विच बिकम हैबिट्स विच क्रिएट योर कैरेक्टर एंड कैरेक्टर सेट्स योर डेस्टिनी। हिंदी में मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा आपको ये, बट इट्स अ ब्यूटिफुल लाइन, है ना। ये एक लाइन है जो मुझे इतना पसंद है, ये लाइन है ना, जब भी मैं इस कोट को लेता हूं तो मुझे बड़ा बड़ा पसंद आता है। मैं इसके लिए, इसका श्रेय मेरे को नहीं जाता, तो मैं पहले आपको बता देता हूं, है ना, ये मेरा नहीं है, तो किसी और का है। मैंने बस इस तीन चारों को ज्वाइन करके ये बना दिया, तो इसके लिए तो मैं एक बार और बोलता हूं, योर थॉट्स बिकम वर्ड्स विच बिकम्स एक्शन विच बिकम्स हैबिट विच क्रिएट्स योर कैरेक्टर एंड कैरेक्टर सेट्स योर डेस्टिनी। वंडरफुल। तो इसके लिए आपके वर्ड्स एक डेस्टिनेशन में आपको लेकर जा रहे हैं। आपके वर्ड सही है तो आपका डेस्टिनी जबरदस्त होने जा रहा है। हो सकता है कि आपके वर्ड्स अभी, हम सही वर्ड्स बोलेंगे ना, हम आगे ही बढ़ेंगे लाइफ के अंदर हमेशा, क्योंकि हमारे वर्ड्स हमें कहीं लेकर जा रहे हैं, हमारे वर्ड्स हमें किसी स्थान में बढ़ा रहे हैं। अगर आप बार बार कहेंगे कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मैं कुछ लाइफ में बनूंगा, मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके वर्ड्स आपकी डेस्टिनी है। वो 100% आपको उस जगह पे लेकर जाएगी जहां पे आपको परमेश्वर लेकर जाना चाहता है। आपके वर्ड्स पावरफुल है। आपके वर्ड्स अगर होंगे मुझे कुछ बनना है तो आप बनोगे। आपके वर्ड्स होंगे प्रमोशन के तो आपको प्रमोशन मिलेगा। आपके वर्ड्स होंगे बढ़ोतरी के तो आपको बढ़ोतरी मिलेगा। लेकिन आपके वर्ड्स होंगे कि नहीं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो हमेशा कमजोर,
मेरे तो इसके लिए बड़ा जरूरी है, इसी के लिए मैं बोलता हूँ आप जब अपने फेथ के रूम में, आप अपने प्रेयर रूम में, आप अपने वॉर रूम में, आप अपने प्रार्थना के कमरे में आप जाते हो और आप अपने प्रॉब्लम्स को देते हो, तो जब आप बाहर निकल कर आते हो तो आप फिर प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करोगे, आप सोल्यूशन के बारे में बात करना शुरू करोगे। पर हम करते ही नहीं है ना, हम अंदर घुसे प्रॉब्लम्स के साथ, बाहर भी निकले प्रॉब्लम्स के साथ, प्रेयर करवाया प्रॉब्लम के लिए, चर्च के बाहर निकले बोला अभी भी प्रॉब्लम है, ऑयल लगा रहे हैं, अनॉइंटिंग ऑयल लगा रहे हैं, बढ़िया ऑयल लगा रहे, प्रेयर खत्म हुआ हमने ऑयल लगाया, कमर में लगाया, सर पे लगाया, जहां भी लगाया लगाना था, बाहर जैसे ही निकले अब बस पता नहीं कब ठीक होगा, ये डॉक्टर बत्रा के पास जाना ही पड़ेगा। फायदा क्या हुआ? वर्ड्स मैटर। प्रभु यीशु को जब आप देखेंगे, खुदा के एफर्मेशंस को जरा देखिए, परमेश्वर को बताता मेरे वर्ड्स एक डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं, तो आपके वर्ड्स एक डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं, आप जो बोलेंगे वही आपको प्राप्त होगा प्रियो, हालेलुया। अगला वर्ड्स हर्ट एंड हील। आपके वर्ड्स किसी को हर्ट भी कर सकते हैं और आपके वर्ड्स किसी को हील भी कर सकते हैं। इसमें मैं आपको पहले ही एक लाइन बता दूं, क्योंकि मुझे पता है मैंने एक बार ये बोला था और मेरे को कुछ लोगों ने बोला था पास्टर इसको हम उपयोग कैसे करें। सिंपल, देखिए जहां पे आपको सही बोलना है आप वहां पे बोलिए, कोई सही बोलकर हर्ट हो रहा है तो उसे हर्ट ही होना चाहिए, हालेलुया, ठीक है। सही बोलकर है ना, मान लो किसी ने चोरी की तो आप उसे क्या बोलोगे? तुझे चोरी नहीं करनी चाहिए। आप आए मेरे चको ही बात, आप नजरअंदाज कर दोगे, वो कल 2 रुपए की जगह 4 रुपए चोरी करेगा। तो प्लीज मेरी बात को समझिएगा, इस चीज को, गलत को कन्फ्रंट करना है आपको, लेकिन अकेले में, भरे भीड़ में नहीं, कन्फ्रंट करना है। अरे भाई गलत है तो गलत है, आपने कन्फ्रंट किया, आपने क्लियर कट फेस टू फेस बात किया, वो बात अलग है। अब मैं जो आपको बोल रहा हूं वो है Proverbs 15:4, आप पढ़िए Proverbs 15:4। तो मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको पहले बता दिया कि शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखी होती है। तो इंग्लिश में जेंटल वर्ड्स आर अ ट्री ऑफ लाइफ, अ डिसीटफुल टंग क्रशेस द स्पिरिट। कि हमें खुराफाती हमारा दिमाग रहता, अच्छा उसके घर में वो आया पता लगाओ क्यों, अपना ही टिप्पणी ढूंढ रहे हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी फालतू बोल देते, पता हमें कुछ होता नहीं है और हम किसी के भी लाइफ के बारे में कुछ भी बोल देते। जरूरी नहीं हर व्यक्ति जो घर के बाहर अच्छा बढ़िया कपड़ा पहन के निकल रहा है उसके घर में प्रॉब्लम्स नहीं है, उसके अलग स्ट्रगल होंगे, बस वो दूसरों को दिखाना नहीं चाहता होगा। जरूरी नहीं हर व्यक्ति जो मुस्कुरा के हमारे सामने दिखाता है तो जरूरी नहीं है उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, बस वो मैच्योर है, वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम को ढिंडोरा पीटना नहीं चाहता चार जगह पे जाकर। मुझे बड़ा बुरा लगा, एक औरत का पति मर गया और लोग ये बात कर रहे हैं कि उसके वजह से उसका मरा होगा या क्यों मरा, अलग ही दिमाग चल रहा है लोगों का अलग ही। अरे आप शोक के घर में जा रहे हो किसके लिए? मरे हुए को जिंदा, मरे हुए के लिए शोक थोड़ा करने जा रहे हो, वो जो परिवार है उसके लिए शोक करने जा रहे हो क्योंकि उसने कुछ लाइफ में खोया। तो वर्ड्स हर्ट लोगों को क्या कर सकता है? हील कर सकता है। वर्ड्स का काम ही हील करना है। Proverbs 12:18 देखिए, प्रोवर्ब्स की किताब 12:18 इंग्लिश में, द वर्ड्स ऑफ द रेकलेस पियर्स लाइक स्वॉर्ड्स। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना, अरे इतना जबरदस्त है जरा देखना, ऐसे लोग तुम्हें कितने मिलते हैं, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उन्हें खुद नहीं पता उन्होंने क्या, ऐसे कैसे हो सकता है किसी और का मजाक उड़ाने से मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है, किसी और को नीचा करने से, किसी औरत को नीचा करने से, किसी परिवार को नीचा करने से, आप उसे कॉमेडी कहकर, आपको वो देखकर हंसकर आप संतुष्ट हो रहे हैं तो फिर उसमें 100% कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया। आप प्रभु यीशु को देखिए, हमारा एग्जाम्पल प्रभु यीशु है, 12 शिष्य उनके साथ थे, कई औरतें उनके साथ थी, कास्ट कलर क्रीड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन आप नोटिस करोगे प्रभु यीशु ने कभी जिंदगी में किसी का मजाक नहीं उड़ाया।
या उनको बर्बाद करने की कोशिश नहीं की, या वैसे फीड करने की कोशिश। प्रभु ने तो बोला, प्रभु का तो ये कहना था, ब्लेसिड आर दोस हु आर प्योर इन स्पिरिट, ब्लेसिड आर दोस, धन्य है वो व्यक्ति जो दूसरों को उठाते, धन्य है वो व्यक्ति जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते। लेकिन हम अभी भी लगे पड़े हुए दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए। तो वो व्यक्ति जिसको पता ही नहीं है, वो बस ऐसे ही बोलता जा रहा है, ऐसे ही बोलता जा रहा है, ऐसे ही बोलता जा रहा है। बाइबल बताती है ऐसे लोगों के वर्ड्स बड़े खतरनाक है। एक वाक्य और देता हूं आपको, सारे वाक्य दे रहा हूं ताकि आप भी कहीं और कोट कर सकते। प्रोवर्ब्स 26 का 18 और 19 देखिए, प्रोवर्ब्स 26 का 18 और 19 देखिए। जैसा एक पागल जो जंगली लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकते हैं, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है कि मैं तो ठट्टा कर रहा था। इंग्लिश में और सुंदर, इंग्लिश में लिखा है, लाइक अ मेनियक शूटिंग फ्लेमिंग एरोज ऑफ डेथ इज वन हु डिसीव्स देयर नेबर एंड सेज आई वाज ओनली जोकिंग। मतलब किसी का भी मजाक उड़ा दिया, किसी के बारे में कुछ भी बोल दिया और उसके बाद बोला, अरे मैं तो सिर्फ मजाक ही कर रहा था, मैं तो सिर्फ। कुछ कुछ लोग आते हैं ना घर पे आके, बस ताना मार के बढ़िया थोड़ी सी आग लगा के चले जाते और फिर लास्ट में बोल देते, मैं तो सिर्फ मजाक ही। अरे बच्चे तेरे को बुरा तो नहीं लगा, मैं तो सिर्फ मजाक ही कर रहा था। खुदा एक दिन उसके साथ ऐसा मजाक करने जा रहा है, तब उसको समझ आएगा कि दूसरों के साथ मजाक नहीं करना। तो जितने लोगों के साथ मजाक हुआ, डोंट वरी, आज के प्रचार के बाद उनके साथ मजाक होने जा रहा है। अरे खतरनाक लोग होते जो घर पे आके, अरे आई एम तो जस्ट जोकिंग करके यार, जोकिंग। तो वर्ड्स हर्ट एंड हील। बड़ा ध्यान रखना है कि हमारा काम एक शोक में जाने के लिए, शादी में भी जाते हैं ना लोग, क्या क्या बातें करते रहते। कितनी बार मैं शादी में दूसरों के साथ जाता हूँ, शादी खत्म करने के बाद, पढ़ने के बाद मैं आके पीछे खड़ा होता हूँ, तो लोग कहते पासी जी लड़की ठीक है, लड़का थोड़ा और सही होना चाहिए था। मैं देखता हूँ उसको, बेचारे की शादी नहीं हो रही, जिसकी हो रही है उसको बोल रहा है। लोगों के अलग अलग है, थोड़े बाल और होते तो अच्छा, अरे तेरे सर पे बाल नहीं है, अरे लड़के का, लड़की का कलर थोड़ा ठीक नहीं है, खुद पे जाना चाहिए। वर्ड्स एंड्योर, वर्ड्स एंड्योर, वर्ड्स एंड्योर। एंड्योर का एक अलग मैंने वो भी लिखा है, स्टिक। जो वर्ड्स है ना वो रह जाते हैं, वो हमेशा के लिए हमारे लाइफ में रह जाते, वो एक कर्स के समान है, वो ऐसे रह जाते, वो माइंड में हमारे हमेशा रहता है कि उसके है, हमने वो बोल डाला। जेम्स 3:1-10, प्लीज इस 10 वाक्यों को आप जरूर पढ़िएगा। सिर्फ 10वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आउट ऑफ द सेम माउथ प्रोसीडेड ब्लेसिंग एंड कर्सिंग, माय ब्रदरन दीज थिंग्स ऑट नॉट सो टू बी। एक ही मुंह से धन्यवाद या आशीष और एक ही मुंह से श्राप दोनों निकलते हैं। आपके एक ही मुंह से आशीष निकलेंगे और आपके एक ही मुंह से श्राप निकलेंगे। ये वर्ड्स रह जाती है, ये हटती नहीं है। आपने किसी के बारे में बुराई कर दी, वो अभी वो जिंदगी भर तक वही रहेगा, उसको जब पता लगे। आपने कभी सोचा है, मैं जब भी किसी के बारे में बात करता हूं, मैं हमेशा ऐसे सोचता हूं, मैं मेरे लाइफ में वर्ड्स को लेकर एक टर्न अराउंड या चुगली को लेकर एक टर्न अराउंड मैं आपको बताता हूं मेरे लाइफ में कैसे हुआ करके। जैसे आप लोग सब चुगली करते हैं या करते थे, है ना, वैसे मेरे लाइफ में भी मैं दूसरों के बारे में कभी कभी बात करता था। रेगुलर नहीं था, लेकिन बचपन से परमेश्वर का अनुग्रह था कि चलो उस तरीके से खुदा ने बचा के रखा। एक दिन मेरे को रियलाइजेशन कब हुआ, मैं और मेरा एक दोस्त, हम दो जने बात कर रहे थे और हम तीन फ्रेंड्स थे, तीन फ्रेंड्स थे हम लोग। तो किसी एकाध बात पर मेरे एक फ्रेंड के बारे में बड़ा थोड़ा कुछ झगड़ा उनका हो गया और मैं बात कर रहा था, तो बात करते करते क्या हुआ, मेरे मुंह से भी उसके बारे में कुछ बातें गलत निकल गई। जस्ट मिनट्स लेटर, बात करने के मिनट्स लेटर, मेरा वो दोस्त मुझसे वहीं पे हमसे मिलने के लिए अचानक आ गया। बिल्कुल हमारा प्लान नहीं था, तो उसने फोन किया और उसने बोला मैं आ रहा हूँ करके, तो मिनट्स लेटर वो सामने आके खड़ा हो गया। उस जमाने में वो छोटे फोन से रहते थे, रिलायंस के 500 रुपये के फ़ोन मिलते थे या नोकिया के 1000 रुपये के या 2000 रुपये के जो भी मिलते थे, जिसमें सांप ऊपर जाता था फिर बढ़ता रहता था, लंबा होता था छोटा होता था, वही वाला। उसे क्या बोलते, तुषार नाम पता है क्या,
है ना, वो एक होता था स्नेक एंड लैडर, क्या स्नेक कुछ ऐसे ही था, वो वाले फोन का जमाना था हमारा। तो अचानक वो व्यक्ति बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया और वो इतनी अच्छी तरीके से हमसे बात कर रहा है, फिर हमको भी नाटक कर रहा, हम भी उससे अच्छी तरह बात कर रहे हैं। और बातों बातों में ना उसकी एक शॉप हुआ करती थी, तो बातों बातों में उसके फादर का एक शॉप किराने की दुकान होती थी, बातों बातों में कहते हुए उसने ना इतना कह दिया कि तुम दोनों अगर साथ नहीं होते ना तो मैं तो इस स्ट्रगल में से निकल भी नहीं पाता। उसके पास एक छोटी सी बाइक हुआ करती थी, तो RX 100 होती थी उस टाइम पे, तो बाइक लेके फिर वो चला गया। मैं अपने दोस्त के साथ खड़े होके मेरे को इतना बुरा लगा कि ये अपने लाइफ का हमें सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति समझता है। और हुआ क्या, हम कुछ देर पहले तक इसके साथ खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लिटरली कुछ देर पहले तक हम क्या कर रहे थे बताए, इसकी बुराई कर रहे थे। मुझे इतना बुरा लगा उस दिन मेरे लाइफ का ना, वर्ड्स को लेकर स्पेशली चुगली को लेकर मेरे लाइफ में एक बड़ा टर्न अराउंड हुआ। या हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो वहां पे मौजूद नहीं है, मेरे लाइफ का टर्न अराउंड कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता होगा, वो ट्रस्ट करता होगा हमारे बारे में, लेकिन हमारे मुंह से उसके प्रति क्या निकल गया, एक ऐसे वर्ड्स निकल गए जो हमें कभी निकालना नहीं चाहिए था। अब मैं आपको अगला कहानी बताऊं। ये बात थी जब मैं मात्र 16 साल का था, 16.5 साल की उम्र के बाद, मेरे 12th के बाद मैं बाइबल कॉलेज गया। 17.5 साल मेरे हुए नहीं थे उससे पहले जब मैं एक बार छुट्टी के लिए, 17 साल का था, छुट्टी के लिए वापस आया, तो यही दोस्त मुझे मिला और इसने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि बाहर चलते हैं करके। तो उस दिन एक्चुअली मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि उसके साथ मैं क्या करूं। जाकर फरीदाबाद में एक लेक है जिसका नाम है भटकल लेक करके, भटकल लेक बोलते उसे, बड़ा फेमस लेक हुआ करता था। मेरे पास इतने वर्ड्स ही नहीं थे, मैं इतने पैसे ही नहीं थे वहां जाने के, तो मैंने अवॉइड करा किसी तरीके से उस चीज को। और ये कहानी मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे कई मित्र लोग जो सुन रहे हैं वो सब इस कहानी को जानते हैं। वो उस दिन अपने साथ 4 लड़कों को लेके वो निकल गया, मैं नहीं जा पाया। वो उस लेक के अंदर उतरा, मात्र 7 महीने बाद, मेरे लाइफ में रियलाइजेशन होने के 7 महीने बाद वो उस लेक में उतरा और उस लेक में वो डूब गया। शाम को वो मुझे 3 बजे तकरीबन, पुष्प विहार में हम लोग रहते थे, तो वहां पे एक जगह पे वो मुझे मिला था 3 घंटे पहले। 3-4 घंटे बाद मुझे उसके फादर का कॉल आता है और बोलते कि फलाना जगह पे पुलिस बुला रही है, कुछ दिक्कत हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं वहाँ पे गया तो उसका बॉडी, वो पानी में जब डूब जाता है ना तो पूरा फूल जाता है। मैं सोच रहा था लाइफ इतना ही है, वो भी सिर्फ 17.5 का था। किसी के बारे में हम बात कर लेते, कुछ भी बोल देते, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता। सो पीपल ऑफ गॉड, द वर्ड्स दैट वी यूज फॉर आवर फेलो पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसके बारे में जो भी बातचीत कर रहे हैं ना किसी और के सामने, तो वो बड़ी खतरनाक चीज है। फिर कल उनके फ्यूनरल पे खड़े होके मत रोना। राहुल समझ सकते हैं, क्योंकि राहुल ने 2 साल पहले अपने बड़े क्लोज फ्रेंड को बिल्कुल ऐसे ही आपने खोया था, राइट? मौके हमारे पास रिश्तों को संभाल के रखने के लिए। किसी के बारे में भी हम बात कर लेते, ये वर्ड्स रह जाते। बस आप इतना सोचिए, कल को उसको पता लगेगा, आप उसके सामने एक दोस्त है, कल को उसको पता लगेगा कि आपने उसके बारे में ऐसी बातें करी। सोचो उसका दिल कितना टूटेगा। हम एक चर्च में जाते पास्टर के बारे में, या पास्टर विश्वासियों के बारे में बात करें। सोचो अगर मैं अपने चर्च के बारे में, लोगों के बारे में अपने घर में बैठ के ऐसी फालतू बातें करता रहूँगा, श्रापित बातें करता रहूँगा, और कल को तुषार तुझे पता लग जाता है, या राहुल को पता लग जाता है, या संध्या को पता लग जाता है, या किसी और को पता लग जाता है, सोचो ज़रा उन्हें कितना ज़्यादा बुरा
लगेगा कि यार ये पास्टर मेरे बारे में ऐसे बात करते थे करके। अगर मुझे कुछ बुरा लग ही रहा था तो मैं सामने बुलाकर फेस टू फेस देखकर मैं क्या कर सकता था, बोल देता, तो उस व्यक्ति को कभी भी बुरा नहीं लगता। वो कहता यस मेरे पास्टर ने मेरे सामने क्या कर दिया, सारी बात को क्लियर बोल दिया करके। आज मेरा प्रार्थना आपके लिए जेन्युइनली यही है कि आपके वर्ड स्टिक कर जाएंगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या बातचीत हम कर रहे करके, हमारे वर्ड्स बड़े ज्यादा मैटर करते हैं। आपको जो बोलना है, तनाव आ सकते हैं, रिश्ते एक्सपेक्टेशंस में डिफरेंसेस आ सकती है, आप क्या कर सकते हैं बताएं, आप जाइए सामने बैठिए और फेस टू फेस बोलिए ये दिक्कत है करके। इतना सा चीज को हम क्या करते हैं, ऐसे बात ना कर कर हम ऐसे बात करते और इतर बितर वो बात को हम फैला देते और हर जगह कड़वाहट फैलनी शुरू हो जाती। कितने लाइफ बर्बाद हो जाते इसके कारण, कितने रिलेशनशिप्स बर्बाद हो जाते, कितने चर्चेस इसके कारण बर्बाद हुए, कितने सारे रिश्ते इसके कारण खराब हुए, कितने स्पिरिचुअल फैमिलीज इसके कारण बर्बाद हुए, क्योंकि हमारे वर्ड्स सही नहीं थे। वर्ड्स एंड्योर करते। तो फिर हमें करना क्या चाहिए, तीन चीजें आप कर सकते हैं। पहला, क्या करना चाहिए हमारे वर्ड्स के साथ, हमें पहला चीज जो आप कर सकते हैं, रेज अवेयरनेस। भजन संगीता 141 उसका तीसरा वाक्य आपके लिए बड़ा, हमारे लिए बड़ा आशीष का कारण है। हे यहोवा मेरे मुख का पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। परमेश्वर से आप बोलिए, परमेश्वर मेरे होठों के सामने एक गार्ड को खराब कर दे ताकि ये बिना काम के खुले ना। कितना सुंदर वर्स है ना, हे यहोवा मेरे मुख का पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। ये फालतू ना बोले, एक गार्ड को बिठा दे परमेश्वर। जब फालतू बोले रुक जा, जब फालतू बोलने का मन करे रुक जा। रेज अवेयरनेस। सेकंड, मेक आर कन्फेशन अ मेजर प्रेयर पॉइंट। प्रेयर में वचन का कन्फेशन होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक वर्स देता हूं, भजन संगीता 19:14, सैम्स 19:14, भजन संगीता 19:14। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, है यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। तो आपके मुंह के वचन कौन से होने चाहिए? आपके मुंह के वचन अगर परमेश्वर के वचन होंगे तो परमेश्वर उस पे 100% क्या करेगा, ध्यान भी करेगा और परमेश्वर उसके ऊपर काम भी करेगा। सो आपके जो हमारे जो वर्ड्स होने चाहिए उस प्रेयर में, हमारे कन्फेशंस होने चाहिए। आज भी मैं कई लोगों को जानता हूं वो कन्फेशंस नहीं बोलते, वो डिक्लेरेशंस नहीं करते। आप इसे अपना एक हैबिट बना लीजिए, 10 मिनट्स 5 मिनट्स लाइफ में थोड़ा अलग कर कर आप अपने डिक्लेरेशंस को बोलना शुरू करेंगे। आप ऑटोमेटिकली देखेंगे वो आपके वर्ड्स को चेंज करना शुरू करेगा, आपके वर्ड शुद्ध पवित्र ताकतवर अच्छे भले सामर्थ्य होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आप कन्फेशंस डिक्लेयर कर रहे हैं। फाइनल वर्ड्स आपको जो देना चाहता हूं वो है, ये आपने सुना होगा बहुत लेकिन एक बार और आपको रिहाइड्रेट करूंगा। तीसरा और आखिरी पॉइंट, क्या करना चाहिए हमारे वर्ड से, चूज टू स्पीक लाइफ। LIFE कैप्स में होगा, चूज टू स्पीक लाइफ। L, आप जो भी बोल रहे हैं वो जीवन को बोलना चाहिए। ड्यूट्रॉनमी की किताब अध्याय 30 उसका 9वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करे, क्योंकि यहोवा फिर से तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसे उसने पूर्वजों के ऊपर किया था। आज मेरा प्रार्थना यही है कि हमारे वर्ड्स दूसरों को लाइफ दे, हमारा प्रचार दूसरों को लाइफ दे, हमारा सेवकाई दूसरों को लाइफ दे, हमारी प्रार्थना दूसरों को लाइफ दे। हम ऐसे लाइफ में व्यक्ति बन जाए जो दूसरों को एनकरेज करे, हम लाइफ में ऐसे व्यक्ति बन जाए जो दूसरों को एक मौका और दे सके, एक मौका और देकर उन्हें उठाने का कारण बन जाए, उन्हें पुश करने का कारण हम बन जाए। सो इसके लिए आपको चूज करना पड़ेगा, डू यू वॉन्ट टू स्पीक लाइफ और डू यू वॉन्ट टू स्पीक डेथ।
क्या आप जीवन के शब्द बोलना चाहते हैं या आप मृत्यु के शब्द बोलना?